हाय एवरीवन, मैं पूछी हूँ, वेलकम बैक टू माय मामाज चैनल। टुडेस वीडियो इज ऑन माय दिमाग। हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जी आप सबको पहले वेलकम करके जा चुकी है, उसके बाद जो है मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। जैसे कि आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं घर पे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पहले कोई प्लान नहीं था कि हम लोग फादर्स डे मना रहे, क्योंकि जिया की डिमांड थी कि मामा आज फादर्स डे है तो कुछ तो करते हैं, पापा को हम लोग सरप्राइज कुछ तो देना है, कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं हम लोग। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है आज सूर्य ग्रहण था, जिसके वजह से घर में जी इस दिन का आधा टाइम तो वैसे ग्रहण में चला गया। 2:30 बजे हम लोग नहा के आए, उसके बाद जो घर पूजा करना है, घर साफ करना है, पूजा करना है, उसके बाद हम लोग खाना बना के खा सकते हैं। उसके बाद जो है कि हम लोग खाना खाते लंच करते 3:30 बज गया था। तो उसके बाद जो है हम दोनों आए हैं, अभी किचन में बैठ के केक बनाने वाले हैं। तो आज हम कैसे केक बनाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आज फादर्स डे, तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे केक बनाया है। केक बनाने के लिए पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और एक बोल में मैंने उसको डाल दूँगी। देन मैंने यहाँ पे 1 कप पिसी हुई चीनी लिया है, आप नॉर्मल चीनी को ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसको अच्छे से मिला दूँगी, जो कि जिया यहाँ पे मिला रही है। मैं यहाँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और उसको आप अच्छे से मिला देंगे। आप चाहो तो सारी चीज़ों को आप छन्नी से छान भी सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से आप उसको मिला दीजिए। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो छन्नी से बेटर है कि आप छन्नी से छान लीजिए सब चीज़ों को, तो इक्वली वो सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। देन यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है, कोको पाउडर डाल के अच्छे से उसको मिला देंगे। देन मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया है, मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सारी सब कुछ मैं एक ही कप से मेजर कर रही हूँ, क्योंकि मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन मैं यहाँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर को मेल्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम अच्छे से उसको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत आप होगी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करके उसको अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं। ध्यान रहे आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत डालें। और जो ये आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसे रहना चाहिए, बहुत ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा थिक। देन यहाँ पे देखिए वो कोको पाउडर डाला हुआ है बैटर में, वो चॉकलेट समझ के अभी से खाने लगी है जिया। तो देखिए ये जिया आज केक में कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है। बैटर तो हमारा रेडी हो गया है, अभी हम करने वाले हैं बेक। उसी लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है। देन यहाँ पे मैंने नमक डाला है, और ये जो नमक आपको थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बेकिंग में यही नमक को अगेन टू अगेन यूज़ करती हूँ। देन हम जो यहाँ पे केक टिन को पहले ग्रीस करेंगे बटर से, तो चारों तरफ हम अभी यहाँ पे बटर लगा देंगे। मैं यहाँ पे हाथ से लगा रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बटर भी नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा मैदा डस्ट करने वाली हूँ, थोड़ा सा मैदा डाल के मैं चारों तरफ उसको घुमा दूँगी, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। और जो एक्सेस है उसको मैं रिमूव कर दूँगी। उस ऐसे करने से क्या होता है, हमारे जो केक जो है वो बहुत इजीली डिमोल्ड हो जाते हैं। देन मैं यहाँ पे केक को केक टिन में डाल रही हूँ, देख कुछ इस तरह हम डाल सकते हैं। देन कढ़ाई जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो देन उसके बाद कढ़ाई के ऊपर मैंने यहाँ पे जो नमक डाला था उसके ऊपर एक रिंग डालेंगे, और देन उस केक टिन को रख देंगे, और ऊपर से मैंने एक प्लेट रख दिया है, वो कवर कर दिया है अच्छे से। देन यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है हम लोग लो रखेंगे, और मिनिमम 30-40 मिनट्स के लिए उसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे।
अभी जो है मेरे 40 मिनट्स हो गया है, उसके बाद मैं अभी चेक करूँगी केक बन गया है कि नहीं। तो केक के अंदर मैंने एक चाकू लेके ऐसे डालूँगी, तो देख सकते हैं चाकू मेरा बिल्कुल भी क्लीन है, उसका मतलब है कि मेरा केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अभी हम कढ़ाई के ऊपर से केक को बाहर रख देंगे केक को ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद केक की हम डेकोरेशन करेंगे। देन मैंने यहाँ पे अमूल का मिल्क चॉकलेट लिया है और उसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस में मैं उसको चॉकलेट को मेल्ट करने वाली हूँ। और ये जो है मेरा चॉकलेट, मैंने उसको रूम टेम्परेचर में मतलब फ्रिज से निकाल के बाहर रखा था, इसीलिए वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। उसको छोटे छोटे टुकड़े करके मैं मेल्ट होने के लिए डाल दूँगी, या फिर आप उसे पूरे चॉकलेट को ऐसे भी मेल्ट होने के लिए डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो केक है बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट ही बना है। तो मैंने यहाँ पे जो मेल्ट किया था चॉकलेट उसके ऊपर डाल दूँगी और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी एक बटर नाइफ के हेल्प से। मेरे पास कोई केक बनाने के लिए सारे सामान नहीं है, तो मेरे पास जो है उसी से मैं अपने काम चला रही हूँ। तो मेल्ट की हुई चॉकलेट को हम चारों तरफ इवनली केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और ऊपर की तरफ स्प्रेड अच्छे से हो जाने के बाद हम केक की जो साइड की वाला पोर्शन है वहाँ पर हम लोग अच्छे से चॉकलेट को स्प्रेड कर देंगे, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। चॉकलेट अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो जाने के बाद मैं अभी करने वाली हूँ चॉकलेट की डेकोरेशन। तो मैंने यहाँ पे लिया है बॉर्बन का बिस्किट, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में पहले उसको छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ दूँगी। सारे बिस्किट्स को मैं यहाँ पे जो केक की बस एंड्स में डाल रही हूँ, मिडिल पार्ट में नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैं बस चारों तरफ जो है एंड्स में डाल रही हूँ, ऐसे चारों तरफ मैं इसको सजा दूँगी। घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल थे उसी हिसाब से मैंने केक को डेकोरेट किया है। अगर आप केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके घर में कोई भी ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशन होता है, आप केक बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस टाइम में इस टाइप की केक आप बना सकते हो। दिस टाइम में हम लोग बाहर से केक नहीं लेना चाहते हैं, तो सबसे बेटर है कि सबसे बेस्ट है कि आप घर में ही केक बनाइए, घर में ही केक को डेकोरेट कीजिए और आपकी फैमिली में एंजॉय कीजिए। एंड मेरी केक की रेसिपी आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। हैप्पी फादर्स डे पापा। अरे थैंक यू, ये जिया ने बनाई केक इतने अच्छे। अब जिया को कुछ बोलना था तो बोल दो। चंदा ने पूछा जी। आप एक पापा को खिलाओ। तो गाइज यहाँ पे जो है जिया ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है हैप्पी फादर्स डे और जिया की पिक्चर बनाई है, पापा की पिक्चर बनाई है, ऐसे कुछ वो बनाई है अपने हिसाब से, वो बनाई है ये पिक्चर। और केक में तो वो बहुत सारे मेहनत भी की, आपने देखा है। तो ये थी हमारी फादर्स डे सेलिब्रेशन। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।